क्योंकि पक्षकार जो लड़ता है मुकदमा वो पीढ़ियों दर पीढ़ी नहीं लड़ना चाहता। आपका पर्सनल व्यू क्या है, जल्दी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं चाहते, नहीं चाहते। सर आप लोग तो कहते हो जल्दी सुनवाई अच्छी चीज नहीं होती है। ये मैटर 2019 नहीं नहीं, अरे ठीक है, जल्दी सुनवाई अच्छी चीज नहीं होती है कहते हो ना, फिर पिटीशन क्यों? एग्जीक्यूशन का प्रोसीडिंग कहते नहीं हो आप लोग, जल्दी सुनवाई अच्छा नहीं होता। क्यों सर, आप लोगों का व्यू है ना कि जल्दी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं। अच्छा, 5 दिन आप कोर्ट में अपियर हुए हैं? आप लोगों ने हड़ताल की थी ना सर, जल्दी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? अरे अरे, वैसे मैं पूछ रहा हूँ सर, वो तो पूरे उसमें था, तो एक कैसे वो कर सकता है? एक कैसे हो सकता है? अब आपसे मैं एक असली प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पक्षकार की इच्छा क्या होती है? पक्षकार का तो ये है सर कि उसने एडवोकेट को दिया हो। अरे वो छोड़ो यार, वो इशू नहीं है। मैं तो आपका व्यू सोच रहा था कि आप लोग आप हड़ताल पे गए थे, तो आपका पर्सनल व्यू क्या है, जल्दी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? तो आपका कहना नहीं आपका ऐसा व्यू नहीं था, तो चलो हो गई कहानी खत्म हो गई। मैं तो आपका पर्सनल व्यू पूछ रहा था ना। अब आप चूंकि पक्षकारों के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं, आप बताइए पक्षकार क्या चाहता है, जल्दी सुनवाई कि नहीं सुनवाई? तो जल्दी ही नहीं, वो जल्दी चाहता है और आप लोग चाहते हैं कि जल्दी नहीं होने चाहिए है? ऐसा हम लोग नहीं चाहते, नहीं चाहते। जैसा न्यायालय के आदेश है उसको मानने को। अच्छी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को आउटर लिमिट फिक्स करने का अधिकार है कि नहीं? बट इसमें वो लिमिट फिक्स करने का तो ऑर्डर नहीं मांग रहे हो, तो सिंपल डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप पेश हुआ है तो डिसाइड कर दो, बस इतने हम भी रुक गए। उससे क्या, उसने तो वैसे भी डिसाइड करना ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर, क्या आउटर लिमिट फिक्स करनी चाहिए कि नहीं? तिवारी जी, थोड़ा सा आपका विचार सुनना चाह रहा था। सर उसमें तो मुझे ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जानकारी नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों के बारे में जो व्याख्या की है उसके बारे में विचार तो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि 141 पे वो हम पे बाइंडिंग है। परंतु पक्षकारों के बारे में पेंडेंसी के क्या विचार है ये सुनना चाह रहा था। इसको हम लोग कैसे डिसाइड हैं, हम लोग क्या विचार थे? नहीं, अब हम अपने ऊपर ले रहे हैं ना, हम एडजस्ट नहीं करते हैं, तो सही करते हैं कि गलत करते हैं? वो तो सही है सर, सही है। चलो ठीक है, चलो आई विल पास द ऑर्डर सर। मैं आउटर लिमिट तो फिक्स नहीं कर पाऊंगा, पर जो भी ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि पक्षकार जो लड़ता है मुकदमा वो पीढ़ियों दर पीढ़ी नहीं लड़ना चाहता, वो जितना जल्दी हो उसका निराकरण चाहता है। आप लोगों के जो भी विचार हो उसके विरुद्ध वो अलग बात है। ऐसा कोई खिलाफ नहीं, आप लोग भी चाहते हैं जो हमारे पास मुकदमा है उसका समय पे निराकरण। समय पे ना, तो ये समय कौन तय करेगा? अभी भी आपने कहा नहीं कि जल्दी हो गया। हमारी ड्यूटी है कि फीस लगा हम उस पर अपीयर हो तो जल्दी डिसाइड हो, अगर अननेसेसरी हम एडजर्नमेंट लेंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, कई बार एडजर्नमेंट पे बड़े झगड़े होते हैं ना कोर्ट में, इसलिए पूछ लिया था।